हेलो एवरीवन, कैसे हैं? सवाल हो दोस्तों, एम बैंक यू में एक डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी देता है। मोस्टली लोग जो आप इसमें अकाउंट ओपन भी करते हैं, मैं खुद इसका अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 1000 बिलो 1000 है। अगर आपकी सैलरी बिलो 1000 है तो आप लोग इंस्टेंट इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका बेनिफिट मुझे अच्छा लगता है वो ये कि आपके पास अगर यूए का पास बना हुआ है तो आप लोग सिंपली इसमें लॉग इन हो सकते हैं। सिंपली आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसमें यूए पास के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास यूए पास नहीं बना हुआ है तो आपके पास एमरस आईडी होनी चाहिए, तो आप लोग इस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद इसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाता है और उसको आप लोग कैश विदड्रॉ या कैश डिपॉजिट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को मैं एम बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इनकी लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट इन्होंने ऐड किया है। इसमें आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम बैंक की जो ऐप है ये मैंने ओपन किया है। मैं खुद इस पर अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा अकाउंट है। तो बेनिफिट के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि ये फ्री फॉर लाइफ अकाउंट होगा। इसमें किसी किस्म की आपको मंथली चार्जेस, मंथली बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बता देता हूँ, जो कि इनकी लेटेस्ट उन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। इसमें अगर आपका अकाउंट नहीं है, किसी दूसरे बैंक में अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी सैलरी उस अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, तो स्टिल आप लोग इसका क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा क्रेडिट कार्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो चुका है कि जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर सैलरी ट्रांसफर लेटर, जिस भी बैंक अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, 3 या 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। आपने डॉक्यूमेंट जिसमें सैलरी सर्टिफिकेट, एमरस सैलरी पासवर्ड आपने यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ से अपनी अप्लीकेशन जो है सबमिट कर देनी है। अब यहाँ पर मैं इसके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी पर ऑप्शन पर आपने जो सैलरी है वो आपकी एटलीस्ट 5000 होनी चाहिए, ठीक है। नीचे आपने एम्प्लॉयर चूज़ करना है जिस कंपनी आप जॉब कर रहे हैं, डेट ऑफ जॉइनिंग आपने यहाँ पर चूज़ करनी है। तो इसके साथ नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका एम बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक का अकाउंट है तो वो आप ये नंबर आपने यहाँ पर पुट करना है जिस बैंक में आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और अगर आपका एम बैंक में अकाउंट है, इसमें आपकी सैलरी ट्रांसफर हो रही है, तो नीचे ये वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना है। यहाँ पर आपने आईबीएन नंबर दे देना है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो यहाँ पर चूज़ करना है आपने। और यहाँ से आपने अप्लाई नो करना है अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तो। नेक्स्ट आपने यहाँ पर डाउनलोड सैलरी सर्टिफिकेट, अगर आप एम बैंक की अकाउंट होल्डर है तो आपने डाउनलोड करना है, अदरवाइज आपने किसी दूसरे बैंक का यहाँ पर सैलरी सर्टिफिकेट ऐड करना है। तो डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 5000 है, आप लोग ADCB, NBD या किसी दूसरे बैंक का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और स्टिल आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एम बैंक में आप अकाउंट ओपन करें। विद इन 2 या 3 डेज के अंदर आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, उसके बाद आप लोग इसमें क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।